तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ मार्केट बाजार तक कोयटा के। अभी जो है ना ये इनकी शॉप है, आप लोग भी जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे बन रही है चाय और ये चाय इसके बाद फिर थर्मास पे जाएगी केक काटने के लिए, और मुझे आता भी नहीं है केक कैसे काटते हैं। से एक डब्बी का सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर से, और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं, मेरी अम्मी और मेरी पप्पू, हम लोग जा रहे हैं यहाँ मार्केट बाज़ार तक कोयटा के। कुछ चीज़ें लेनी है, पप्पू को भी लेनी है, अम्मी को भी लेनी है और मुझे भी लेनी है, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ इन लोगों के साथ। तो चलते हैं फिर, देखते हैं कि क्या पसंद आता है, क्या लेते हैं। अम्मी बुला रही है, नीचे से आवाज़ें दे रही है, तो चलते हैं फिर जल्दी से। सो गाइस, यहाँ पे ये एक रोड है, ये इस रोड को बोलते हैं सब्जी रोड के नाम से, ये रोड मशहूर है। और अभी हम लोग आगे जो है ना पूरी मार्केट बनेगी, तो हम जाएंगे आगे मार्केट में। यहाँ पे जो है ना ये चिड़िया वगैरह भी मिलते हैं, तोते और कालीन कपड़े वगैरह सब यहाँ पे मिलते हैं। गाइज़, यहाँ पे जो है ना सारे पंजाबी, ये जो दुकानें सब पंजाबियों के, यहाँ पे कोई भी पठान नहीं होता है। और यहाँ पे जो है ना ये इस तरह की दरी वगैरह मिलती है, दरी कालीने वगैरह पर्दे सब यहाँ पे मिलते हैं। सो गाइज, ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम किसी चीज़ पे बिछाने के लिए लेते हैं, कोई भी चीज़ हो ना उस पर बिछाने के लिए अच्छा लगता है। सो गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने ये एक ले लिया है। अभी जो है ना ये इनकी शॉप है, आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर ये सारे शूज़ वाले लगे हुए हैं, मैं अपने लिए आई हूँ शूज़ देखने के लिए। देखते हैं कि इसमें से कौन सा नया है, कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा पसंद आता है। ये पूरी मार्केट अंदर शूज़ की है। गाइज, ये आगे वाली रेडियो पे जो है ना एक आशिक मिलता है और एक मोमोज मिलता है। मोमोज का हमारी जबान में मंतो बोलते हैं। ये भी आएंगे किसी दिन ट्राई करने के लिए।
गाइस ये पहाड़ के ऊपर घर बना हुआ है ना, किसी दिन इस पे भी जाएंगे। मैं बचपन में वैसे तो जा चुकी हूँ बट फिर दोबारा जाएंगे। यहाँ पे बन रही है चाय और ये चाय इसके बाद फिर थर्मास पे जाएगी, फिर मेहमान के पास लेके चलेंगे। आज जो है ना मेरे पप्पू के घर पर दावत है, मतलब दावत तो नहीं ऐसा, मतलब चाय पे बुलाया है, हाँ चाय पार्टी है। तो जो है ना मेरे पप्पू के ये वाले मेरी छोटी पप्पू है, एक मेरी बड़ी पप्पू है, मेरी बड़ी पप्पू के दामाद आए हुए हैं, मतलब वो बाहर से, शायद आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा वो बाहर से आए हुए। तो आज जो है ना मेरी छोटी पप्पू ने उनको चाय पे बुलाया है, तो इसलिए हम लोग जो है ना तैयारियाँ कर रहे हैं। देवा गाइज ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा केक देखा है अपनी ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे रखते हैं। ऐसे रख देती हूँ ये जो ना थोड़ा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा, ये इसको जो है ना इसकी डेकोरेशन हम ऐसे ही कर देते हैं। इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ थोड़े से चने भी डाल देती हूँ। आधा डालना है, काम नहीं किया बस आता पता नहीं। तुम लोगों का रिवाज अलग है ना, सही है ये दिखा कुछ लगता नहीं बनी। और गाइस यहाँ पे ये फ्रूट्स भी रेडी हैं, ये है और एक ये भी है। Thank you.
उल्टा 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 हां सी ये दफा एनीवे सी हां दिगम दू बस बस पाल को दू बस से एक दफ्ती काम ओ फक्सीश पाल फक्सी पैसे इसी पैसे इस पे ता बच बोर जिसको कुछ तो बच 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 आइस्ता सो गाइस अभी हम लोग पोपो के घर से निकल चुके हैं और मेरा पेट मैं दिल दिया था ना तो हमेशा गिरे हुए होते हो गाइस ये चक्कर गलियां यहां पे बहुत सुनसान है।